गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एसर क्लासेस। मैं इस बार जो है मुंडा प्रशासन व्यवस्था समझाऊंगी, जो कि झारखंड इतिहास का मुंडा प्रशासन व्यवस्था है। और इसमें ये मार्क्स दो नंबर के मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इस टॉपिक से एक प्रश्न ज़रूर आएंगे। मैं अब सिलेबस के अनुसार आप लोगों को पढ़ाऊंगी और मैं चाहती हूँ मेंस के साथ पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी होती जाए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा झारखंड में कोलेरियन समूह की एक सशक्त एवं शक्तिशाली जनजाति है। इसकी प्रजाति को प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह में रखा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि इसको किस समूह में रखा जाता है, तो वो है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह में। इसका जो निवास स्थान है उसमें विद्वानों का सबका अलग अलग मतभेद है। कोई कहते हैं कि ये मूल भूमि तिब्बत को माना जाता है, इसकी मूल भूमि को। फिर किसी विद्वान ने कहा कि भारत के दक्षिण पश्चिम से चलकर आर्यों के दबाव में मध्य प्रदेश आए और बाद में झारखंड के क्षेत्र में इनका प्रवेश हुआ। फिर उसके बाद कुछ विद्वानों का कहना है कि भारत के दक्षिण पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किए तथा असुर जनजाति को पराजित कर उनके निवास स्थल झारखंड पर आधिपत्य स्थापित किया। इस ढंग से मुंडा जनजाति के लिए अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं कि तिब्बत से आए हैं या दक्षिण पश्चिम आर्यों से के दबाव में आकर एमपी के बाद झारखंड आए हैं या असुर जनजाति को पराजित करके अपना आधिपत्य जमाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा। मुंडा की अपनी भाषा है जिसे मुंडारी कहते हैं। यह भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। मुंडा अपनी भाषा को होडो जगर कहते हैं। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है और इस ढंग से ये पीटी में प्रश्न पूछे जा सकते हैं फिर से कि होडो जगर किसकी भाषा है या कौन सा जनजाति होडो जगर भाषा बोलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्र। जो मुंडा जनजाति का क्षेत्र, मतलब वो लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं, तो ये जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम तथा संथाल परगना में पाई जाती हैं। मुंडा जनजाति में तीन स्थल को विशेष स्थल कहा गया है। वो विशेष स्थल है सरना, जहाँ इनके ग्राम देवता निवास करते हैं। यानी ये क्वेश्चन बनेगा कि मुंडा जनजाति के ग्राम देवता जो जहाँ निवास करते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है, तो वो है सरना। नेक्स्ट है अखरा, जहाँ पंचायत की बैठक होती है। रात्रि में युवक युवतियाँ एकत्र होकर नाचते और गाते हैं, उस स्थान को अखरा कहा जाता है। नेक्स्ट है शासन। शासन जो है ये समाधि स्थल होता है, यहाँ शवों को दफनाया जाता है। समाधि स्थल पर पत्थर के सील रखे जाते हैं जिसे शासन दिरी कहा जाता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि शासन दिरी क्या है या किसे कहा जाता है या इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। मुंडा जनजाति का युवा गृह गीती ओरा है। अब हम इसके आजीविका के बारे में जानेंगे। मुंडाओं अपने आजीविका के लिए वनों को साफ सुथरा कर कृषि कार्य करने लगे और अस्थाई निवासी के रूप में स्थापित हुए। उनका बनाया हुआ खेत खुटकट्टी खेत, उनका बसाया गांव खुटकट्टी गांव कहा जाने लगा। मतलब मुंडाओं जो थे पहले तो शिकार करते थे, बाद में वो वनों को साफ करके कृषि का कार्य करने लगे और एक जगह निवास करने लगे। और उसने जो खेत बनाया वन को काट करके, तो वो खेत जो है खुटकट्टी खेत कहलाया। और जब खुटकट्टी खेत बने तो वो लोग निवास करने लगे और एक गांव बस गया। और वो गांव कहलाया खुटकट्टी गांव। अब उसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जो खुट्टीदार व्यवस्था के अंतर्गत आती है। यानी खूट
पहला वर्ड लेते हैं खूट, तो सबसे पहले जानेंगे खूट क्या है। तो खूट का तात्पर्य एक परिवार से होता है। मान लेते एक परिवार मिलकर एक जगह को साफ किया तो वो परिवार एक परिवार हो गया और वो एक खूट कहलाया। और खुटकट्टीदार जिसने खेत बनाया उस बनों को साफ करके वो खुट्टीदार कहलाने लगे। अब हो गया खुटकट्टी खेत, मुंडाओं के द्वारा बनाया गया खेत, जो खेत बनके तैयार हो गया उस खेत को खुटकट्टी खेत कहते हैं। यहाँ भी मैंने पहले बोला था, और खुटकट्टी गांव मुंडाओं के द्वारा बसाया गया गांव वो खुटकट्टी गांव हो गया। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूट अपने जंगल और ज़मीन का मालिक होता था। जो मतलब ज़मीन को साफ कर लिया वो उसका उस ज़मीन का मालिक हो गया। जनसंख्या बढ़ने के कारण जगह की कमी होने लगी तो खुटकट्टीदारों ने आसपास में ही नए नए गांव बनाने लगे। और ऐसे जैसे जैसे जंगल साफ होते गए और अपना खुटकट्टी खेत होता गया और वो गांव वहां बसने लगा। एक गांव नए हुए जरूर, मतलब नया गांव बनता जरूर गया, किंतु इन गांवों की सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं का संचालन उसी पैतृक खुटकट्टीदार गांवों से ही होता है। ऐसी गांवों की संख्या जब अधिक हो गई तो इन खुटकट्टीदार गांवों की पंचायत विकसित हुई। तो अब उसके बाद जो है अब इसकी पंचायत विकसित होने लगी क्योंकि अब कई गांव हो गए। तब अब आता है मुंडा का शासन व्यवस्था या पढ़ा पंचायत व्यवस्था भी इसको कह सकते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा पंचायत व्यवस्था। तो जब कई गांव हो गए, गांव के बारे में जानेंगे। मुंडा जनजातियों में प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता था जिसका प्रमुख मंडा कहा जाता था। तो जब उस ढंग से खुटकट्टीदार गांव विकसित हो गए, बहुत सारे गांव होने लगे और फिर तो वो जो गांव प्रत्येक गांव सभी एक एक गांव में एक पंचायत होता था जिसका प्रमुख मंडा कहा जाता था। ये भी प्रश्न पूछे गए, इम्पॉर्टेंट है कि गांव के प्रमुख किस या गांव के प्रधान किसे कहा जाता था, तो वो मंडा कहा जाता था। नेक्स्ट पट्टी, जब बहुत सारे गांव होते चले गए तो कई ग्राम पंचायत या ग्रामों को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता था जिसका प्रमुख मानकी होता था। तो जब गांव बहुत सारे हो गए तो वो गांव जो है एक पट्टी में बदल गए और उस बहुत सारे गांव को पट्टी कहा जाने लगा। और इस ढंग से कई ग्राम पंचायत या ग्रामों को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता था जिसका प्रमुख मानकी हो जाता था, मानकी होता है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न हो सकते हैं कि मानकी किसका प्रमुख होता था, तो वो पट्टी का प्रमुख होता था। फिर पढ़ा, कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनता है जिसका प्रमुख पढ़ा राजा कहा जाता है। तो इस ढंग से पढ़ा जो ये पहले तो मान लेते पहले ये गांव बना, फिर उसके बाद गांव बहुत सारे गांव मिलके पट्टी बना, फिर बहुत सारे पट्टी मिलके पढ़ा बना। और इस पढ़ा के जो प्रमुख हैं वो कहलाए हमारे पढ़ा राजा। तो इस ढंग से गांव का प्रमुख मंडा कहलाया, पट्टी का प्रमुख मानकी कहलाया, पढ़ा का प्रमुख पढ़ा राजा कहलाया। पढ़ा में प्रायः एक ही कुल के सदस्य होते थे। पढ़ा का भी एक पंचायत होता था जिस पंचायत को पढ़ा पंचायत कहलाता है। वो जो पढ़ा का पंचायत होगा उसे पढ़ा पंचायत कहलाता है। अब नेक्स्ट है पंचायत के कार्यपालक अधिकारी। तो पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं जो राजा के अधीन कार्य करते हैं। ये अधिकारी दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल है। ये सभी पद वंशानुगत होते हैं। ये लोग पढ़ा राजा की आज्ञा का पालन करते हैं और राजा को सलाह भी देते हैं। नेक्स्ट है पढ़ा राजा का चुनाव। पढ़ा राजा का मनोनयन चुनाव के द्वारा होता है। यह पद वंशानुगत नहीं है, यही कारण है कि इसे मुंडा मानकी पढ़ा सरदार की प्रशासनिक व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के उदाहरण प्रस्तुत करती है।
तो ये जो पढ़ा राजा का जो जो चयन है वो चुनाव के द्वारा होता है और इसका जो पद वंशानुगत नहीं है। यही कारण है कि इसे मुंडा मानकी पढ़ा सरदार की प्रशासनिक व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। इसी आधार पर इसे राज व्यवस्था ना कहकर सहकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। अब आता है पढ़ा पंचायत का कार्य। इसका मुख्य कार्य क्या होगा? तो पढ़ा पंचायत के द्वारा सीमा विवाद, आपसी झगड़ों का निपटारा तथा अन्य विवादों को सुलझाया जाता है। यदि कोई सीमा विवाद या आपसी झगड़ा होता है तो उसका निपटारा पढ़ा पंचायत करती है। यह मुंडा की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका माना जाता है। मतलब पढ़ा पंचायत को जो मेन माना जाता है, यदि इसने किसी ने राजा ये राजा के या पढ़ा पंचायत के बातों को नहीं माना तो उसे सजा भी मिलती थी। नेक्स्ट है वर्तमान पंचायत। मतलब अभी का जो पंचायत है, मुंडा जनजातीय क्षेत्रों में भी सरकारी पंचायतें स्थापित हो गई है। अब जो है सरकारी पंचायत स्थापित हो गई है, यह पंचायत मुंडा के सामाजिक मामलों में भी हस्तक्षेप करती है, जिसमें परंपरागत पंचायतें अब गौण होती जा रही है। मतलब अभी भी कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत है पंचायतें, लेकिन सरकारी पंचायतें स्थापित हो गई है और ये जो है ये पंचायत जो अभी सरकारी पंचायतें हैं वो सामाजिक मामलों में भी अब हस्तक्षेप करने लगी है, जिसके कारण जो उन लोगों का परंपरागत पंचायतें अब गौण होते जा रही है। ओके स्टूडेंट, मैंने कोशिश किया है कि मुंडा शासन व्यवस्था के द्वारा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो मैंने अंडरलाइन किया वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे आपके एक एक मार्क्स का, और मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। और मैं नेक्स्ट क्लास में इससे जुड़े प्रश्नों को लेके आऊँगी, मुंडा शासन व्यवस्था को, ताकि ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और इससे एक भी प्रश्न ना छूटे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।